स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मैं संजीव राठौर आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एरर डिटेक्शन को कैसे आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। दो से चार स्टेप्स जो आप फॉलो करेंगे तो कभी आपसे गलतियां नहीं होंगी। सबसे पहली चीज, जब एरर डिटेक्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है एक ऐसी चीज जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे हम कई बार छोड़ देते हैं, और वो है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हमने इस पर ध्यान दिया तो कभी भी हम एरर डिटेक्शन में कुछ गलतियां करने से बच जाएंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट। अब हम फोकस किस पे करते हैं? हम फोकस करते हैं कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते, जबकि आज के जो मॉडर्न क्वेश्चंस हैं वो आते या तो सब्जेक्ट लिविंग है या सब्जेक्ट नॉन लिविंग है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो वो सेंटेंस आपका पैसिव में होगा, और लिविंग है तो सेंटेंस आपका एक्टिव में भी हो सकता है और सेंटेंस आपका पैसिव में भी हो सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। अगर सिंगुलर प्लूरल की तरफ जा रहे हैं तो केवल हम वर्ब को देख सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट लिविंग है तो वो एक्टिव या पैसिव दोनों में हो सकता है। अगर नॉन लिविंग है तो वो केवल और केवल पैसिव में ही हो सकता है सेंटेंस। सेंटेंस कब एक्टिव में कब पैसिव में, इसमें हम लोगों से बहुत गलतियां होती हैं। अगर इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव में होगा। हैज, हैव, हैड, इसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, सॉरी, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये सेंटेंस आपका पैसिव में होगा। अगर मॉडल वर्ब के साथ बी है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब भी ये सेंटेंस आपका पैसिव में होगा। ये तो पैसिव वर्ब की तरह से पहचानना होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको देख के आपको ये अंदाजा लगाना है कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। द कार इज डस्टिंग, द कार इज डस्टेड, दोनों में कौन सा सही है? अगर यहां पर सही और गलत की चर्चा करें तो ये वाला सही है, क्योंकि कार नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग वाला सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव में होगा। पिछले स्लाइड्स में ही बताया कि इज, एम, आर, बाज, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो सेंटेंस पैसिव में होगा, और वर्ब से रिलेटेड बहुत गलतियां हम लोगों को देखने को मिलती है। अभी जो सीजीएल के एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें भी इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। जैसे हमने लिखा, दिस क्वेश्चन कैन सॉल्व, एक है दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, ये आपके पास ऑप्शन है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, दिस क्वेश्चन कैन सॉल्व। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन तो नॉन लिविंग है, मतलब सेंटेंस आपका किसमें होगा? पैसिव में। और मॉडल वर्ब के साथ बी आया तो सही कौन सा है? ये, और ये वाला क्या हो गया? गलत। मीनिंग करोगे तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के आप मीनिंग को सही कर ही लेते हो, लेकिन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट मीनिंग पर नहीं चलते हैं। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपके, सॉरी, ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, मीनिंग पर नहीं चलते। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आजकल की एग्जाम्स में आपको ध्यान रखनी है वो ये है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अगर हम सिंगुलर वर्ब की बात करें तो सिंगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें एस या यस लगाओ, जिसमें एस या यस लगा हो।
वो वर्ब आपकी कैसी है? सिंगुलर, जैसे इज, हैज, वाज, डज, गोज, प्लेज, विंस, ये सब आपकी सिंगुलर वर्ब में है। प्लूरल वर्ब जिसमें ऐसे एस ना हो, आर, हैव, डू, प्ले, विन, कैच, हेल्प, जिन वर्ब में ऐसे एस ना लगा हो वो वर्ब आपकी प्लूरल होती है। अब हम नाउन ज्यादा पढ़ते हैं, नाउन पर ज्यादा फोकस करते हैं, और नाउन में क्या होता है कि जिसमें ऐसे एस लगा है वो प्लूरल होता है, उसी को दिमाग में रखे रहते हैं। कई बार जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब, वैसा ही प्रोनाउन, वैसा ही एडजेक्टिव, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट एक्टिव में रहेगा कि पैसिव में रहेगा वो सेंटेंस, ये सब्जेक्ट से पता चल जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। मतलब शुरुआती स्टेज पे सबसे पहले आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है, वो या तो नाउन हो सकता है या फिर क्या होगा, या फिर वो प्रोनाउन होगा। इसके बाद आपको देखनी है वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है, सेंटेंस एक्टिव में होगा या पैसिव में, ये आपको सब्जेक्ट और टेंस से पता चलेगा। जब आप सब्जेक्ट पर नजर रखेंगे तब आप इसका पता लगा सकते हो, जब आप टेंस पर नजर रखेंगे तब आप इसका पता लगा सकते हो। इसके बाद आपको देखना है कि प्रोनाउन कैसे यूज होगा, और प्रोनाउन के बाद आपको देखना कि एडजेक्टिव कैसे यूज होगा। अगर इनमें से कोई गलती आपको नजर नहीं आती है फिर आप प्रपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में सोचो। बस इतनी चीजें आपको एरर डिटेक्शन में देखनी है। सब्जेक्ट पर नजर रखते समय एक चीज और देखनी है, वो है आर्टिकल। आर्टिकल पर भी फोकस आपको करना पड़ेगा। आर्टिकल पर फोकस कर लिया तो फिर आप इन चीजों में माहिर बन जाएंगे। ये इरट यहां अभी मैं किसी भी, ये नहीं कह रहा कि ये वाला रूल याद कर लो, ये वाला चैप्टर याद कर लो, ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इरर डिटेक्ट करते समय, इरर को स्पॉट करते समय आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही नहीं जानते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं उसमें एरर डिटेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किस चीज पर फोकस करें। नाउन देखें, प्रोनाउन देखें, आर्टिकल देखें, एडजेक्टिव देखें, एडवर्ब देखें, वर्ब देखें, टेंस देखें, प्रपोजिशन देखें, कंजंक्शन देखें, नरेशन देखें, वॉइस देखें। अब आप कोई भी पेपर उठा के देखना, मेरी बात आपने सुन ली, अब पेपर उठा के देखना और ये तरीका अपनाना। आप 10 में से कम सिर्फ इन्हीं तरीकों को अपनाकर 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अभी आपने कोई कॉन्सेप्ट, कोई रूल नहीं सीखा है। जब आप कॉन्सेप्ट और रूल सीख जाओगे तो आप आसानी से इन चीजों को क्लियर कर सकते हो। रोज रात 9 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है इंग्लिश विद संजीव सर पर। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जिन स्टूडेंट्स की ग्रामर वीक है, जिन स्टूडेंट्स को रूल्स तो पता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ये क्लास आपकी चैप्टर वाइज होती है, ये क्लास आपकी टॉपिक वाइज होती है। यहां से आप अपनी स्ट्रेंथ और मजबूत कर सकते हो, अपने आप को और स्ट्रेंथन कर सकते हो ताकि आप किसी भी जगह पर गलतियां ना करें। तो यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विद संजीव सर, वहां पर आप इन क्लासेस को देख सकते हो। और रोज कुछ ना कुछ ऐसा सीखो जिसका यूज आप पेपर में कर सको। आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कमी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक की, वो टेक्निक मैं रोज आपके अंदर लेकर आऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको भी करनी है।